अब देखें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। याद रखिएगा साथियों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन में कि भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो आइए पहले हम नक्शे में समझे थे उसकी ओर चलता हूं। तो यहाँ देखिए मैंने बताया आपको ये वाली रेखा, फिर से बता देता हूं, ये आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, देन उसके बाद नीचे में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23 डिग्री में, मतलब मकर रेखा, और ऊपर में आपका ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर जो कि कितना है 23.5 डिग्री। और भारत याद रखिएगा साथियों कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, चतुष्कोणी माने तो ऐसा, ठीक है, माने तो इस प्रकार से आपका बटा हुआ है। तो आइए ये अगर भारत को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है या आपको बांटता है तो ये कैसे होगा आपका, नक्शे में समझे 8 राज्य कैसे होंगे। तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ये छत्तीसगढ़ भी रहेगा ना इसमें, ठीक है, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिएगा गुजरात में सबसे पहले प्रवेश करेगा, ऐसा है कि गुजरात में सबसे पहले इसकी एंट्री होगी। देन उसके बाद आपका दिखेगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड दिखाई दे रहा है, झारखंड के बाद याद रखिएगा साथियों आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सिक्वेंस हमें याद होना चाहिए। तो इस प्रकार मैप ओरिएंटेड सारी चीजें हमें कवर करना है, क्लियर है, मैप बना बना के सारी चीजें जो है आप प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते आइए, तो 8 राज्य कौन कौन से समझ में आ गया, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, 3 हो गए, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, 4, फिर उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आएगा आपका झारखंड, झारखंड हो गया 5, 6 हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और 7 हो गया त्रिपुरा, और 8 हो गया आपका मिजोरम, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। जैसे मैंने आप लोग को बताया तो विश्व के देशों में कौन सा स्थान है आपका, 7वां सबसे बड़ा देश है आपका, और पहला नंबर का कौन है, पहला नंबर का रूस, क्लियर। अब है ड्यूरेंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ अफगानिस्तान के साथ जो है ड्यूरेंट लाइन अपना जो है सीमा का साझा करती है। आइए नक्शे में देखें, दरअसल बात कुछ इस प्रकार से है साथियों कि आपका 1893 के दशक के समय में ये लाइन खींची गई थी, ठीक है, कहां आपका ये रहा आपका, इस टाइप से बांट देते हैं आपका, ये रहा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन। ये कब बांटा गया था आपका, 1893 में, ठीक है सर, मार्टिमर ड्यूरेंट के नेतृत्व में, मतलब कि आपका मार्टिमर ड्यूरेंट की अध्यक्षता में इसे जो है विभाजित किया गया था अफगानों के आपके सलाह से, क्लियर। तो आपका एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इस समय आपके भारत के वायसराय कौन थे, याद रखना है इस समय आपके भारत के वायसराय थे आपके लैंसडाउन, मतलब कि आपका लॉर्ड लैंसडाउन इस समय जो है आपके भारत के क्या थे, वायसराय थे, क्लियर। अब देखो यहां देख लेते हैं, अफगानिस्तान हो गया भाई, वैसे ही आपका 1947 में पाकिस्तान के साथ सीमा बना का विभाजन हो गया, 17 अगस्त 1947 में, ठीक है, तो इसे कौन सा लाइन कहा जाता है, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आपका 1947 में, याद रखना है, क्या हो गया आपका, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक। उसके बाद यहां देखेंगे सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में आपका 1914 में, आप 1914 में किसके साथ, चाइना के साथ आपका बांटा गया, किसका आपका रेखा है ना, बॉर्डर, तो ये यहां दिखेगा आपका 1914 में खींचा गया था, मतलब ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका नेपाल, और ये हो गया भूटान। फिर उसके बाद बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो बांग्लादेश अगर पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था तो इधर का भी लाइन क्या कहलाएगा आपका, रेड क्लिफ लाइन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों यहां बात बनती है कि आपका भारत जो है वो किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और किसके साथ जो है सबसे कम सीमा का साझा करता है, मतलब कि आपका लंबाई के अनुसार। तो याद रखिएगा जो बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं भाई, सब कैपिटल लिया हूं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सीमा का साझा करता है कौन, भारत। फिर उसके बाद है आपका चाइना सेकंड नंबर में, फिर उसके बाद थर्ड नंबर में आता है आपका पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान आता है थर्ड नंबर में, फिर उसके बाद जो है आपका नेपाल, फिर उसके बाद दूसरे राज्य जो है उस प्रकार से सीमा बनाती है। तो सीमाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मैप बार बार जो बना के प्रैक्टिस करना है उसे नहीं भूलना है, वीडियो को पॉज करिए, मैप बना के सारा चीज याद करते जाइए, क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, ओके देख लेते हैं। तो देखो भाई अगर मैप याद होगा तो हम बेहतर तरीके से याद रखेंगे, तो मैप अपने सामने जरूर रखें। तो सिक्किम के साथ भूटान अपनी सीमा का साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ भी करता है, मेघालय के साथ नहीं करता है। आइए नक्शे में देख लेते हैं, मेघालय नीचे है ना भाई, कहां गए नक्शे महोदय, ये रहे नक्शे महोदय, क्लियर, इसे मिटा रहा हूं। तो देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान मिल गया, सिक्किम मिल गया, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र यहां दिखाई दे रहा है, तो मेघालय जो है वो नहीं मिलता किसके साथ, तो आपका भूटान के साथ, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश जो है कि टोटल जो है आपका 8 राज्यों से मिलता है, वो किस प्रकार से, आइए नक्शे में फिर से देख ले,
नक्शा देखना जरूरी है, मैं बार बार नक्शे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश महोदय, तो ये आपका पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका हरियाणा, और चौथा हो गया आपका राजस्थान, पांचवा हो गया मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ जो है आपका मिलता ही है, छठवां हो गया छत्तीसगढ़, सातवां हो गया आपका झारखंड, और आठवां हो गया आपका बिहार, और साथ में हमारे देश की राजधानी जो कि आपका दिल्ली है वो भी इसी क्षेत्र से आके मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो है राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता? तो आइए देख लेते हैं भाई, तमिलनाडु के साथ पहले ही ऑप्शन होगा, जो कि तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता, मुझे नक्शे में सीधा दिखाई दे दिया। आंध्र प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, कर्नाटक के साथ करता है, और महाराष्ट्र के साथ करता है। तो तमिलनाडु के साथ जो है अपनी सीमा का साझा नहीं करता। क्लियर।